पानीपत के वार्ड 8 चियाउड़ मोहल्ले में 2.5 साल की बच्ची की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ोस में रहने वाले 37 साल के राजेश के बेड के नीचे पाया गया। घटना के बाद राजेश मौके से फरार हो गया। मृतक बच्ची के परिवार के अनुसार पहले बच्ची के साथ गलत कार्य किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है। भैया यहाँ कोई गुड़िया देखी है? कह रहे नहीं मैंने देखी है ना, देखी थी पहले तो ना जाती हुई देखी है, चली गई है यहाँ से। तुम कह रहे लाल कलर की टोपी डाल गई, मैं कहा इसको तो पता है। तो ना मेरे मन में क्या है, दोबारा फिर देखा मैं दोबारा ना उसी के जिस आदमी ने बोला ना उसके कमरे में देखने गई, नहीं थी गुड़िया। एक कमरा साथ भी था लेकिन मैंने उसको नहीं खोला, मैं नीचे आ गई तो एक घंटा बीत गया। मैं घूमते घूमते और जगह ढूंढने गई लेकिन नहीं मिली। फिर घर आई तो घर में पता नहीं क्या हुआ कि उसकी ना आदमी का ख्याल है तो उसके घर ही जा। तू उसके घर गई, मैं दोबारा फिर उसका कमरा देखा, मुझे ना वो आदमी कह रहा भाई आपको अभी बोला आपकी गुड़िया ना यहाँ नहीं आई, नीचे आई। फिर आई यहाँ क्यों देख रहे हो? मगर वैसे ही देख रही हूँ। फिर मैंने कहा ये कमरा आपका है? कह रहे नहीं खाली है। क्या करना है? मैंने कहा वैसे ही पूछ रही हूँ। तो कह रहा है मैंने देख कुंडी खोलने लगी ना, कह रहा है इसको क्यों खोल रहे हो, क्या करना है? मैं कहा वैसे देख लूँ कुंडी खोल के। कह रहा देख लो। तो मैंने चंद कुंडी खोली, बेड बिछा हुआ था इसको ना मैंने वाल लगाई। मैंने कहा नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, बेड बिछा हुआ, चला चलते हैं। तो बाहर निकलने लगी ऐसे इधर मुँह हुआ तो नीचे गुड़िया लेटी हुई थी उसके, और यहाँ पे मुँह पे भी साल होती, कुछ साल से होती पड़ती है पर तोड़ता मुँह दिख रहा था उसका। देखिए हमारे पास सूचना आई थी कि लड़की जो उसकी उम्र लगभग 3 साल है वो अवस्था में करने पड़ी है, तो हमने तुरंत जाकर लेके आए हैं। और इसमें उसके पिताजी ने जो है एक लड़का राजेश है आसपास का रहने वाला, उसके खिलाफ शिकायत की है, जिसमें 302 का केस हमने दर्ज किया है और उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या सर और भी कुछ गलत काम कर रहे हैं? देखिए पोस्टमार्टम अभी होना बकाया है, अच्छी प्रक्रिया जारी है, उसके बाद खुलासा उसका क्या काम। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन लाल की रिपोर्ट।